हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयू सक्सेना ऑलराउंडर। कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मैं हूँ प्रीति एंड पीयू। पहले तो सभी लोगों को जय माता दी। और नवरात्रि का, जैसे कि नवरात्रि का दूसरा दिन है और जैसे आप सब जानते हैं आज ब्रह्मचारिणी माता जी का दिन है। तो जो ये देख सकते हैं आप इधर, है ना, जो हाथ में कमंडल लेके माता खड़ी है ना, तो आज इन्हीं माता की पूजा होगी, माता जी की। और जो कल है ना, कल चंद्र घंटा माता जी की पूजा होगी। तो मैंने पूजा कर ली है तुलसी में, जल जल ऊपर तुलसी में डाल दिया, छोड़ दिया है जल। और सप्तमी पाठ कर लिया, दुर्गा सप्तमी पाठ भी कर लिया, सारी पूजा हो गई है। बस खाना खाना बनाना है। इधर मैं सबसे पहले काम यही करती हूँ, जो काम झाड़ू पोछा होता ना, ये सब करके डायरेक्ट नहा के मैं पूजा ही करती हूँ। क्योंकि हम लोग वैसे भी रोज की पर्सनल लाइफ ऐसे रोज तो ऐसे ही है कि हाँ सारे काम करके तो पूजा करने आती हूँ। लेकिन अभी नवरात्र का ये बहुत ही पावन समय होता है, जो हर 6 महीने में जो आता है। तो हमें माता रानी की सेवा भाव भक्ति से करना चाहिए, समय से करनी चाहिए। तो बाकी तो काम रोज के ही होते हैं ना, तो जब इनका दिन होता है तो करना चाहिए। क्योंकि माता रानी हाँ हम सबको बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी खुशियाँ आपको भी हमें भी देंगी। तो सब इन्हीं की कृपा से है जो है सबके पास। माता रानी सबके कष्ट सबके दुख है हर लेती हैं। तो देखिए मैंने कर ली पूजा, और इसमें जवारे बोए हैं, ये देखिए जो जौ कहते हैं। मैं दोनों वाले वो वाले नवरात होते ना तो उसमें भी मैं बोती हूँ और इसमें भी बोती हूँ। इसमें भी 9 दिन रहती हूँ, उसमें भी 9 दिन, मतलब किसी किसी के यहाँ नहीं होता ना एक में। और ये बताइए जवारे किसके यहाँ बोए जाते हैं, किसके यहाँ नहीं। पहले मैं क्या करती थी, ज़मीन में ही बोती थी, मतलब करती थी। लेकिन क्या था, चूहे ज़मीन से खा लेते थे, तोड़ देते थे या मिट्टी बिखार देते थे। अब की मैंने इसमें किया है ताकि ये अच्छे से निकल भी आएंगी। निकलती तो तब भी थी हमेशा, लेकिन छीछल इधर कर देते हैं ना चूहे। तो बाकी तो ये देख लीजिए, प्यारा लग रहा है ना माता का दरबार, देखिए। तो चलिए अब चलते हैं, खाने वाने की तैयारी करते हैं। और मैं ब्लॉग माता रानी के दिन चल रहे हैं तो माता रानी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि माता रानी से स्टार्ट करना, शुभारंभ करना तो बहुत ही अच्छी बात है ना। सबको माता रानी के दर्शन होते हैं, इसीलिए मैं माता रानी से स्टार्ट करती हूँ हमेशा। तो ऐसे ही रोज़ स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, लेकिन जब माता रानी के दिन चल रहे हैं तो माता रानी से ही स्टार्ट करते हैं ना। तो माता रानी डेली ब्लॉग में आपको दिखेंगी। बाकी आप सबके घर में माता रानी का प्रवेश हुआ है और सबके घर में आगमन है, सबके घर में पूजा पाठ चल रही है। और ये नवरात्रों के बहुत ही पावन दिन होते हैं, बहुत ही अच्छे दिन होते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत क्या बोलूँ मैं, जब मेरे शब्द नहीं है। आप लोग जो करते हो ना, तो आप लोग भी करते हो तो आपको पता होगा कितनी मतलब संतुष्टि मिलती है, शरीर हल्का होता है। बस इनकी कृपा होती है तभी आज हम लोग कर लेते हैं व्रत वगैरह, नहीं तो इनकी कृपा के वगैरह कुछ नहीं। क्योंकि एक दिन इंसान भूखा नहीं रह सकता है, और 9 दिन की तो बात ही अलग हो जाती है, बाकी शक्ति होती ना, इसलिए। चलिए चलते हैं कमरे में, ठीक है। तो गाइस सब ने चाय नाश्ता कर दिया है मुझको छोड़ के, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ। मेरा तो पूरे 9 फास्ट है, तो मेरा तो जाना तो नहीं, मतलब इनके पापा तो सो रहे हैं, देखिए आराम कर रहे हैं। तबीयत नहीं ठीक है ना, आपको बताया था, सो रहे आराम कर रहे हैं। यहाँ मैं खाने की तैयारी कर दी है, मैंने शुरू कर दी है ताकि जल्दी बन जाए खाना, तो सब खा लेंगे। अब लहसुन प्याज तो मैं डालती नहीं हूँ, 9 दिन लहसुन प्याज के बगैर खाना बनाती हूँ। जैसे टमाटर काट लिया, हरी मिर्च काट लिया, जीरे से तड़का लगाती हूँ,
बाकी लाल मसूर की दाल बनाऊंगी, मसाले सब डालूंगी, पीसे मसाले जो होते हैं ना सब डालूंगी। अभी आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे बनाती हूँ, लेकिन लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालूंगी, लहसुन प्याज अदरक और कड़वे सरसों के तेल से तड़का नहीं लगाऊंगी। सरसों का तेल जिस दिन नौमी है ना, जिस दिन कन्या की लाएंगे उसी दिन यूज़ करेंगे। और क्या तो हाँ, और मैं बता दूँ, मैं स्लीपर भी नहीं पहनती हूँ नौ दिनों में, कहीं जाती भी हूँ मंदिर जानी है तो नंगे पैर ही जाती हूँ, घर में भी नंगे पैर रहती हूँ। नौ दिन के लिए चप्पल मतलब त्याग देती हूँ, चप्पल नहीं पहनती हूँ और लिपस्टिक भी नहीं लगाती हूँ, है ना, बाकी सिंदूर लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, रंग भी लगा लेती हूँ, महावर वगैरह सब लगा लेती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ। लिपस्टिक मुझे समझ में नहीं आता लोग लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ। शूज़ है, अगर मेरे पिछले ब्लॉग आप देखते होंगे तो मैं लिपस्टिक लास्ट डे में लगाती हूँ, नौवीं जिस दिन कन्या खिला देती हूँ, ब्रेड उपवास टूट जाता है, मतलब वो हो जाता है पूरा हो जाता है, उस दिन मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ, जो सिंगार में चढ़ाती हूँ वो सारा यूज़ करती हूँ, बाकी ऐसे नौ दिन में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि पता नहीं किसने लगाई है, या मतलब रहती है, हम ही लोग लगाते हैं, लेकिन रहती ड्यूटी रहती है ना, वो ड्यूटी रहती है और फिर क्या चीज़ पड़ा है उसमें, क्या नहीं पड़ा हमें थोड़ी पता है, तो नहीं यूज़ करती हूँ। और नीम के दातून मैं मंगा लेती हूँ, नीम दातून नहीं हो तो जो गाँव में किया जाता है, ब्रश नहीं करती हूँ, जितना मुझसे बनता है मैं उतना करती हूँ, मैंने आपको बता दिया मैं वही करती हूँ। तो अब इन लोगों के लिए खाना बनाने जा रही हूँ, बाकी सभी लोग हैं अपना अपना, जैसे नौ दिन जिसका बहुत हो जाता है सभी लोग करते हैं, बस भगवान माता रानी की सब सभी लोग को शक्ति दें इतनी कि सब अच्छे अच्छे सबका व्रत जाता है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति से सब होता है, आप लोग को सबको पता है, बाकी ऐसे कोई कर नहीं पाता, नियम बहुत होते हैं, तो जितना नियम मैं हो पाता है उतना करना चाहिए, मैं मेरे से जितना होता है मैं उतना ही करती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है ना। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो गाइस देखिए मैंने रिफाइंड डाल लिया है कुकर में और गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे जीरा, जीरा डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे कटे हुए हरा मिर्च, इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, दाल को देखते हुए नमक, टमाटर डालने के बाद नमक डालने के लिए होता है क्योंकि जल्दी से टमाटर वाला जल जाएगा, उसके बाद हम इसको ढक के पाँच मिनट के लिए स्लो टू मीडियम में पकाएंगे। और अब हम डालने वाले हैं यहाँ मसाला, मसाले की तैयारी कर लेते हैं, वही अपना धनिया पाउडर, थोड़ा इसमें थोड़ा मसाला जाता है, ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, वही देख लीजिए, साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें देख लीजिए पानी डाल के, क्योंकि हम लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं ना, तो ऐसे हम इसको घोल बना देंगे ताकि मसाले हमारे फूल जाए और जब हम तेल में डालेंगे ना तो हमारा जो मसाला जलेगा नहीं, है ना। हमारे ये देखिए टमाटर हो गए, अब इसमें हम ये जो मसाला हमने रोला था ना वो डाल देंगे अच्छे से, और इसको भी दो तीन सेकंड के लिए मसाले को भूनने देंगे, इसकी प्यारी खुशबू आ रही है, और जो बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं पसंद करते हैं तो इस तरह आप बना सकते हैं, मसालेदार भी बनेगा, टेस्टी बनेगा और स्वाद भी बहुत अलग आता है, यूनिक आता है। अगर कभी आपने लहसुन प्याज के बिना खाना बनाया होगा तो लहसुन प्याज का बिना भी खाना बहुत टेस्टी लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है ना, हम लोग डेली में खाते हैं तो थोड़ा स्वाद भी रहता है, लेकिन जो लहसुन प्याज के बिना खाना खाते हैं उनका भी बहुत ही स्वाद वाला खाना होता है, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक, तो गाइस आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मसाला हमारा भुन गया, रेडी हो गया और तेल सेपरेट हो गया मसाले से, तो इसका मतलब हमारा मसाला बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल, दाल को मैंने धुल लिया है अच्छे से दो से तीन पानी से, और धुल के इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल, लाल मसूर की दाल, है ना, दाल आप कोई भी खा सकते हैं,
बस अगर लहसुन प्याज नहीं खाते तो इस तरह से बनाइए, बन जाएगा। बस हरा मिर्चा हरा धनिया वगैरह डाल के आप बना सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे अपने हिसाब से पानी और 2 से 3 सीटी लगा देंगे। इसमें हम पानी डाल देंगे अपने सुविधा अनुसार जितना हमें चाहिए। ये दाल बहुत टेस्टी लगती खाने में और 2 से 3 सीटी में पक जाती है फटाफट, है ना। क्योंकि अब मेरे घर में कोई खाने वाला तो रह नहीं गया, नहीं मैं ही ज़्यादा खाती हूँ ना। हाँ रियलिटी मैं ज़्यादा खाती हूँ ना। देख लेते हैं, तो आप दाल देख सकते हैं बढ़िया सी हमारी दाल बनके रेडी हो गई है। और ये दाल देखिए बिल्कुल बढ़िया सी दाल बनी है। अब इसमें हम ऊपर से धनिया डाल देंगे और सबको खाना देंगे। क्योंकि एक तरफ चावल हो रहा है ना, मसाले वाली दाल है। अब जिन्हें हम ये चटनी भी रखी है, सब्जी भी रखी है जो कि बनाई थी, अब सबको खाना दूँगी। अब वीडियो और दाल देखिए, दाल बनाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, आप कैसे बनाते हो। और रही ये हमारी नवरात में खाने वाली दाल, मतलब जिनके लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इस तरह से दाल बना सकते हैं। बड़ी टेस्टी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। आज चुके अब ये लोग खाना खा रहे हैं। कैसा बना है बिना लहसुन प्याज का खाना? अच्छा बना है, एक नंबर। जिंदगी ना हुई, एक नंबर देखो तो, एक नंबर बोलता है। हेलो बोलो, अब तब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हाथ दिला दो खाली, हाथ दिलाओ। नहीं माना, दवा का असर है, दवा का नशा है, खाना खा रहे हैं। रोटी चटनी ले लेते, चटनी नहीं खाओ? चलो कोई बात नहीं, पापा को खिला दिया, पापा को सो गए। वीडियो वीडियो लंबा हो गया है ना, थोड़ा सा लंबा हो गया आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। अभी ऐसे ही कहीं जा नहीं रही, मंदिर वंदिर अगर जाऊंगी तो आपके साथ शेयर तो ज़रूर करूंगी, जाहिर सी बात है आपके साथ शेयर करना बनता ही है। तो वीडियो पसंद आया तो सब कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ओके फैमिली, और जय माता की एक बार सबको फिर से जय माता दी। जाते जाते खुद का ख्याल रखिए, मम्मी पापा ख्याल रखिए, जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखिए। ओके फैमिली, बाय, लव यू, बाय।